Hi everyone, I am Pragati from Pragati Progress Classes. Today we are going to learn 4th standard 9th chapter EVS, Air We Breathe. In this chapter we will learn the importance of air, characteristics of air, usage of air in our life, how is air pollution caused and how can reduce it. Okay, let us start the chapter. All living things need air. No living being can survive without air for more than a few minutes. Air is present everywhere around us, but we cannot see. कोई भी लिविंग बीइंग है, कोई भी ह्यूमन या प्लांट या जो भी लिविंग थिंग्स है, विदाउट एयर वो लिव नहीं कर सकता. ओके, नो लिविंग बीइंग कैन सर्वाइव विदाउट एयर फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स. एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एयर हर जगह प्रेजेंट है हमारे आसपास, लेकिन वो हम उससे देख नहीं पाते. वी कैन नॉट सी, ओनली वी फील इट्स प्रेजेंस इज सो मेनी वेज. ओके, ओनली हम उसका प्रेजेंस कि हाँ वो एयर है, उसको हम मेनी वेज में उसको हम फील करते हैं. ओके, वी नोटिस इट वेन द लीव्स ऑफ द ट्रीज रैटल और द क्लॉथ्स हैंगिंग ऑन द क्लॉथ लाइन श्वे वे और द पेस ऑन द ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. ओके, तो हम जो एयर है हमारे आसपास एयर है, हम उसको कैसे फील करते हैं? हम ऐसे फील करते हैं कि हमने क्लॉथ कहीं हैंग किया है उसको ड्राई होने के लिए, लेकिन वो है जो क्लॉथ है वो मूव करने लगता है, हिलने लगता है, तो हमें लगता है हम एयर का प्रेजेंस फील करते हैं. ओके, हमने बुक कहीं पे रखा है ओपन करके और बुक का है जो पेज अपने आप से वो खुलने लगता है, तो हमें एयर का वहाँ पे प्रेजेंस पता चलता है, फील होता है कि हाँ एयर यहाँ पे है. पेड़ की पत्तियाँ जब मूव करती है, हिलती है, तो हमें लगता है कि हाँ एयर का प्रेजेंस हम फील करते हैं. ओके, व्हाई डज दिस हैपन, ये कैसे होता है? Actually, the empty bottle was not empty. It was completely filled with air when you tilt the bottle. The air found an escape route and move out the bottle and water filled up the bottle. Okay. तो ये कैसे होता है? जब कोई हम एम्प्टी बोतल लेते हैं तो वो बोतल क्या है, वो एम्प्टी नहीं होता है, उसमें कम्प्लीटली वो एयर फिल होता है उसमें. ठीक है, द एयर फाउंड एन एस्केप रूट एंड मूव्ड आउट द बोतल एंड वाटर फिल्ड आउट द बोतल. दिस एक्टिविटी सो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर हैज नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू इट. इट इज ट्रांसपेरेंट. ठीक है, जब आप जो एम्प्टी बोतल है उसमें जब बोतल को आप उसमें पानी भरने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ पे एक्टिविटी दिखाया गया है, तो क्या होता है, बुलबुला जैसा होता है ना, बुलबुला जैसा, तो वो क्या, उससे हमें क्या पता चलता है कि उस बोतल में ऑलरेडी है जो एयर भरा हुआ है ना, एयर का प्रेजेंस वहाँ पे हमें पता चलता है. इट इज़ ट्रांसपेरेंट एयर, और क्या है ये, ट्रांसपेरेंट है. वी कैन ऑल्सो प्रूव द प्रेजेंस ऑफ एयर बाई यूजिंग अ बलून. और हम जो बलून को यूज़ करते हैं तो उसमें भी हमें एयर का प्रेजेंस पता चलता है. बिफोर इट इज़ इन्फ्लेटेड द बलून इज सेपलेस. वेन यू ब्लो एयर इनटू इट, इट बिकम्स राउंड एंड फर्म. जब तक बलून में एयर नहीं भरते तो क्या होता है, सेल्फलेस होता है, उसका कोई शेप नहीं होता. जब हम उसमें एयर में बलून में एयर फिल कर देते हैं तो उसका एक शेप बन जाता है ना. अगर वो हार्ट के आकार का होता है तो उस आकार का हो जाता है, अगर राउंड होता है तो राउंड. हाउ डज दिस हैपन, ये कैसे होता है? इट इज़ द एयर गेट्स इनसाइड द बलून एंड टेक शेप. ये जो एयर है जो बलून के अंदर जाता है और उसका है जो शेप ले लेता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस हैज जस्ट बीन प्रूव्ड बाय द अबव एक्सपेरिमेंट.
है ना। अभी जो एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसका अपने ये जो वाटर का जो था एक्सपेरिमेंट उससे पता चल रहा था, एयर हैज वे, एयर इज वेरी लाइट बट इट डस हैव वे, इन फैक्ट द वे ऑफ एयर प्रेसिंग ऑन यू इज नॉट फेल्ट। ओके, एयर में वे है लेकिन वो बहुत ही लाइटली है, लेकिन इसमें वे होता है, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे समझते हैं ये एक्टिविटी, बलून का यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है। एयर एग्जर्ट्स प्रेजेंस, यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। आप ऑलरेडी ये जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है सराउंडेड है जो एयर एयर का लेयर से, है ना, उसी को एटमॉस्फेयर बोला जाता है। द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ पुल्स दिस एटमॉस्फेयर डाउनवर्ड्स, दिस एयर पुशेस डाउनवर्ड ऑन एवरीथिंग, द वे ऑफ दिस एयर एक्टिंग ऑन द सरफेस कॉजेज एयर प्रेशर। हाँ, आपको ये भी पता है कि अर्थ में क्या है, अर्थ में ग्रेविटी है, और ये जो ग्रेविटी है अर्थ का वो ही है, अर्थ का ग्रेविटी है जो डाउनवर्ड्स यानी नीचे की ओर खींचता है एटमॉस्फेयर को, दस एयर पुशेस डाउनवर्ड ऑन एवरीथिंग, और यही जो एयर है वो पुश करता है कोई भी चीज़ को नीचे आने के लिए, ठीक है। ग्रेविटी के कारण ही जो हमारा एयर हमारा अर्थ है उसके पूरे सराउंडिंग एक लेयर बना हुआ है एयर का, जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और वही एटमॉस्फेयर है जो ग्रेविटी का कारण है अर्थ में। जैसे कोई भी चीज़, जैसे कोई बॉल उछालते हैं तो वो फिर नीचे आता है, तो कैसे आता है, वो ग्रेविटी के कारण आता है, ठीक है। एयर प्रेशर भी बोलते हैं, द वे ऑफ दिस एयर एक्टिंग ऑन अ सरफेस कॉजेज एयर प्रेशर, ठीक है, ये एयर प्रेशर का भी कारण बनता है। जैसे आप मून पे देखते होंगे, जो एस्ट्रोनॉट वगैरह जाते हैं मून पे, तो उनका क्या है, वो अगर स्लिपिंग भी करते हैं तो उनको क्या बेल्ट लगा के वो ब्रश करते रहते हैं, तब भी वो क्या फ्लाई करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। अर्थ ग्रेविटी पुल्स द एटमोसफेयर डाउनवर्ड्स, अर्थ का जो ग्रेविटी है वो एटमोसफेयर को डाउनवर्ड्स पुल करता है, नीचे की ओर खींचता है।